ही है सरकारी क्वार्टर, रहेगा रौनक यहाँ पे शाम को। तो अभी हम जा रहे हैं रौनक के पापा के पंप हाउस, हाँ देखते हैं जरा कैसा है जहाँ पे रौनक के पापा ने 2.5 साल बिता दिए हैं, उधर हम भी देखते हैं जरा। पर मैं थक तो बहुत गई हूँ, पर फिर हम तो सब गए हूँ मैं यहाँ पर, हाँ खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट। हाँ क्या फूड है यहाँ पे, गाय रखी होती थी हाँ, तो यहाँ बालू घुसे थे रात को, उन्हें गाय को जिंदे लगे थे खाने नहीं आ रहे। अभी पास जिसकी गाय थी ना वो दौड़े, मेंबर साहब दौड़े, नंगे पांव दौड़ा वाला मैं, तो फिर तो बोला ऐसे डाले फंसा ऊपर डंडे डंडे से बोला भगाया। फिर वो गाय बची, गाय ना बची वो खा ली थी जब ना, अरे हफ्ते के बाद मर गई बेचारी। ऐसे इस जो ये आगे नाला आएगा ना एक, वो बहुत खराब है, मतलब कि सेंसिटिव है, ऐसे बोलते कि यहाँ भालू दिन को भी होते हैं। रौनक डर रहे आप? नहीं। तो ये वाला टैंक किसका है? ये इनका भी बना हुआ है, बावड़ी का पानी है तो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे बावड़ी है ना, बावड़ी का पानी, ये इनके लिए जाता होगी सप्लाई? नहीं आते हैं सप्लाई कहीं जाते, कहाँ कहाँ है, कहाँ से कहाँ लिखा हुआ था भाई आपका संजोग भी? ये ना यही आते हैं कपड़े धोने के लिए, पानी यही निकलता है पीछे बावड़ी पानी, ये पानी बर्तनों में पीने के लिए बढ़िया है। अच्छा चलो, तब चार बनाई है गाय पानी पीने के लिए, कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है, यहाँ से फिर पानी अंडरग्राउंड नीचे जा रहा है। क्या यहाँ तो रखा आपने, ये रखा था आपने यहाँ पे, ये किसी ने देखा नहीं है नहीं। ये क्यों, ये नाड़े में जाने के लिए थे। अच्छा ये आपने रखा है यहाँ पे, रौनक के पापा ने यहाँ पे इसके पीछे रखा हुआ था। सोचो कैसे ड्यूटी करते हैं जल शक्ति विभाग। वो सब जब आते हैं ना इस पॉइंट पे आके फिर जोश हल्ला बना होता है, चलो जवाब चाबाद ऐसे बोलते हैं, तब तक भालू भूलू अलर्ट हो जाए भाग जाए। रौनक तू भी बोल जैसे पापा ने बोला, चाबाद चा हर बोल जय छो। इमेजिनेशन में नहीं है ये तो भाई, इसमें जाओ नीचे तो कब ये रास्ता है ऐसा नहीं ना। अभी तो चल मैं तो खाता क्यों बोलता हूँ ड्राम में, क्यों यहाँ पे अभी तो चल धूप लगी हुई है बरसात में। ओहो ये देख रहे इसको खाते भी है ना, मैं बोला डट के यहाँ पे लगे हुए तू बोल कुछ कार से ये देख पिचू को देख, ते भगवान पिचू को देख, पिचू को कैसा है सब ऊपर तो देखो ऊपर पिचू को देख, पिचू यहाँ समझाने गाड़ो तरफ पर ये है जी रास्ता दिख रहा है कहीं, ये चारों चार दुनिया बस इतनी है। भी काटा हो बोलू घास भी ना, ये तो ये बंदा चुप से हुआ, इधर मजे नहीं आपके, खाते नहीं आप इनको? बचते नहीं होते, मैं मक्खियां मुक्खियां खा लेती इनको। कभी सोचा था जब झाकड़ी में रहते थे शहर में कि ऐसी जगह भी है, कार से नहीं अभी पके, नहीं अभी नहीं आया, तो तू कब सोचा था कार से खाएंगे? कार से नहीं ऐसे रास्ते में आएंगे। आपको कैसे लग रहा है आपके पापा यहाँ आते, बुरा लग रहा है? चलो अभी नाले से निकल गए, ये है भाई इसमें होता खतरा, ऐसे से बहुत ध्यान रख। ओए है अभी अंदर कुछ कपड़े कुपड़े है, रखे स्नेक है, कहाँ है दिख रहा है पीछे देखो धारी वाला जैसा, स्नेक भी हो सकते हैं बरसात में। स्नेक तो मेरे को पसंद मिल गया था, गम बूट पहन के आते हैं इधर, जॉब अच्छी है इनकी, ड्यूटी तो अच्छी है इनकी, मजे से बस पंप ऑपरेट करना है, पर ये रास्ता है कुछ अलग सा। हम यही रहेंगे अब, अपन से बोरी भी लेके यहीं आ जाएंगे। ठीक है आ जाओ, फाइनली पहुंच गए हम अपने सरकारी क्वार्टर में। ये रौनक का पंप, रौनक के पापा का पंप है, यहाँ से तो अच्छा है, देखो तो कितनी अच्छी जगह दिख रही है। आगे आओ विकास आजाद,
थे पापा, ऊपर से आए होने किसी जमाने में। जा सब लोग चाबियां ले। दिखाओ अंदर, इसको दिखा सकते हैं? दो पंप क्यों है? एक पार खोल ली क्या? दो पंप पता नहीं क्यों है, क्यों है? इनको एक को भी छुआ तो डेड। छू सकते इनको? हाँ अभी छू सकते भी नहीं। चला सकते हम भी इनको? नहीं मतलब वो पीछे से दो यहाँ सकता है कोई भी। हाँ रख क्या पर किया ये सा? अच्छा है यहाँ तो, बहुत अच्छा है, साफ सुथरा अच्छा है, अपने ठीक ठाक। कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट इज हैपनिंग हियर? हैपनिंग हियर अब ये इंग्लिश में समझाओ अब इसको। मेरे हिसाब से जो ये पंप नंबर 1, पंप नंबर 2, ये मोटर लगी है ऊपर, ये पंप है, ये जो घूमेगा तब पानी इसके अंदर आएगा, वो एक्सेलरेटर। हां ये वाला चलता है, ये वाला पंप का भी स्टैंड बाय मोड में है। स्टैंड बाय ये वाला चलता है ज्यादातर। चलो पहले वो छोड़ो, अपना क्वार्टर दिखाओ परे, बस बुला जा अभी। रौनक आ जा, चले ऐसे ये भाई आ रहा है, ये सॉरी ये आउटलेट है, ये इनलेट है, मतलब ये अंदर इससे पानी आता है, इससे आता है पानी। और वो ये वाला काय के लिए फिर? ये भी सेम पंप है। दो क्यों है? भाई भाई चलाने के लिए। अच्छा चलो परे चलो। मैंने ना रौनक के पापा के लिए कुछ दिया हुआ था, यह देखो। ठीक है, अच्छा है, इन्होंने रखा हुआ मंदिर भी रखा है यहाँ पे, जो पुराना मंदिर था आगे वाले घर का वो इन्होंने यहाँ लाया है। एक चरपाई रखी है, ब्लैंकेट रखा हुआ है। से आवाज है जैसे इतने जोर से यहाँ पर आप कैसे झेल लेते? ये है छोटा सा, कैसे झेल लेते हो? अच्छा है रौनक, तो क्या है यहाँ पर? नहीं आवाज बुरा है। अच्छा आवाज, मतलब मैं झेल तो सकता हूँ ना, पर इतने लंबे टाइम तक कोई पंखा नहीं चलेगा। पंखा ये अपना सरकारी क्वार्टर है, ये अपना सरकारी क्वार्टर रह जाएगा तू यहाँ पे, सरकारी क्वार्टर रहेगा रौनक यहाँ पे शाम को ले। ठीक है यार देखो, ठीक है यार धोए नहीं आज तक, घर से धो के आते थे तो जब से पिछाई है। ऐसी है बठौला बठूला रखा हुआ है यहाँ पे, तो अच्छा है यहाँ पे ना। चलो भगवान के लिए ऐसे चमन दे, तुम्हें दिखा दिया घर देखो वहाँ पे ऊपर, इतनी दूर दूर ऊपर घर दिखते हैं। अभी हम पार थे, वो है पार, संजू दीदी का घर दिख रहा है यहाँ से। चलो बैठते हैं थोड़ी देर। पर एक करेडू को सामने तो गुड़ थी सामने, जहाँ सामने दिखा नहीं है। क्या बोलते हैं इसको, करेडू को है? करियाली भी बोलते हैं, कचनार बोलते हैं, और शायद कचनार नहीं, कचनार ही बोलते हैं। मैं अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मजेदार है यहाँ तो, अच्छी है। मुझे आपसे 10 क्वेश्चन पूछने हैं। पूछ लेंगे, पूछ। अरे अंदर एक जगह पर है ना ए, मतलब उसका वोल्टेज एम्प होगा ना, फिर एक जगह वोल्टेज, ठीक है, फिर एक जगह एम्प, फिर से ठीक है दूसरे एम्प है, आज मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है सच में आपके लिए। कैसे आते हो आप डेली डेली जाते हैं यहाँ से दौड़ दौड़ के? इसको बता दूं क्या पूछ रहा है, बड़ा मुश्किल है भाई। वाव रौनक, पानी वाला बल्लभ, ये पता क्या ना, ये एक बार यहाँ पे आए थे ना खान लेकर आई थी, वो रहती थी यहाँ पे, तब लगाया था बाहर ये बल्लभ, रौनक के पापा ने ना ये चारपाई सिर्फ दिन को ऐसे ही रेस्ट करने के लिए, इन्होंने क्या है अपना पंप चलाना है, निकल जाना है, फिर शाम को वहाँ जाते हैं। संजू दीदी का घर ये वाला है, ये पीछे वाला है उनके पुराने घर है, एक भाई का घर ये है, एक भाई का घर इधर को है शायद अली साइड को, यहाँ से पता चलता है कि यार जैसे भी हो ना, जो भी हो, जगह हो, मतलब कि अपनी अपनी जगह सबको ही अच्छी लगती है। जैसे हमको, मुझे लग रहा है यहाँ पे, जैसे मैं बता भी रही हूँ कि यहाँ पे भालू का वो है, जब हम जहाँ जिस जगह पे पैदे होते ना, क्योंकि मेरे वीडियोस भी बहुत बाहर से देखते हैं कई, तो उनको ये ऐसा लगता होगा कि कैसे रहते हैं यहाँ पे, कर लेते हैं सर्वाइव। अब खुद ही सोचिए,
हर चीज पहले ही लाके रखते हैं, या जैसे ढोके करते हैं, जैसे भी करते कर लेते हैं। इवन की रोड यहीं तक है, बस वही कि लोगों की कुछ गलत सोच होती है जो लोग देते नहीं है। बाकी हम चाहेंगे कि यहाँ के लिए रोड आ जाए। संजय दीदी के लिए हम भी जब ये वो घर बनाने की सोच रहे थे, हम बोल रहे थे कि आप रहने दो। नीटू भैया ने, जो संजय दीदी के हस्बैंड, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली एक, कि जो अपनी जगह ज़मीन होती है वो हम नहीं छोड़ सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने यहाँ पे बनाया। और ये रौनक का पंप, रौनक के पापा का पंप हाउस है। लाइफ है, चलती है। जब ऐसे लगता था पता नहीं रौनक के पापा कहाँ जाते हैं, बस वो थोड़ा ऐसा दिखा रहे, ऐसे नहीं, मुझे ना ऐसा नहीं लगता था जैसे आप दिखाते ना, वहाँ खड़े हुए हुए कहाँ दिख रहे हैं वो देखो, वहाँ पे जब आप वीडियो में दिखाते थे ना कॉल वगैरह पे, ऐसा नहीं लगता था, थोड़ा अलग लगता था। यहाँ पे थोड़ा अलग लग रहा है, अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, सुहावना सा। सोचो मतलब कि जब हम यहाँ से अभी जाएंगे, हम बहुत ऊपर जाएंगे यहाँ से, बहुत ऊपर जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा रौनक? बाहर निकल जरा, चलो चलते हैं फिर, क्या करना और यहाँ पे। ना मैगी क्यों बनानी, अभी इतना सारा खाना खाया है। मैगी बनाते हैं आप यहाँ पे? हाँ, वो चीज़ की मैगी बनाओ, हीटर है, मैगी भी है, पीछे पर भी है, पंखा भी है, सब है। सर्दी का इंजाम, गर्मी का इंजाम, दो दो गर्मी दोनों का इंजाम करना पड़ता है, खासकर सर्दी में धूप लगती है यहाँ पे। सर्दी में दो हीटर होता है जहाँ पे, ऐसी जगह होती है ना सर्दियों में बहुत ठंड पड़ती है। ये रौनक, जब रौनक हुआ था तब का हीटर है, इसका गिफ्टेड हीटर। चलते हैं ना, चलो जी चलते हैं यहाँ से वापस। है अब हिम्मत वापस जाने की? मुश्किल ही है जाना, जाना तो पड़ेगा ही। चलिए यहाँ से वापस चलते हैं। सॉरी यार, सॉरी फोन कैमरा, सॉरी बोल रही हूँ आज रोने के पापा को। इधर अभी तो पांच परसेंट ही चल गया आधा। सच में अगर मान लो ये इतना चल के मेरी हेल्प भी करते हैं, और मैं दिन को कई बार मजे से सोई रहती हूँ, फिर करती हूँ काम, पर इतना नहीं, क्या करे भाई, किस्मत अपनी अपनी, पर अपनी अपनी करवाऊंगी। ठीक है, कितना काम करवाती हूँ मैं? नहीं करती, मैं ही करता हूँ। अच्छा हाँ, आप करते हैं, मैं तो नहीं, पर ऐसे कि मुझे इतना है, मैंने जैसा सोचा था ना, बहुत है, बहुत ज़्यादा। हथियार वापस रखते हुए और यहाँ पानी पीऊँगी, अब पानी की बड़ी डिमांड है। चलो आपको ये भी आज दिखा दिया रौनक का, रौनक के पापा, कौन सा वाला पानी पीते हैं? ये वाला बोलते त्रिम्बड़, जो निशान दिख रहे हैं पेड़ तनों में, ये भालू ने पंजो एक ही अपना नाखून मारे ऊपर चढ़ने के लिए इसमें। तो जब गाय को खा सकते तो इसको खा नहीं, इसमें क्या? इस चक्कर में पीछे गाय थी, घुस के गाय, दिन को भी भालू होते हैं, ले पड़े था कि मारेगा पहले।